चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम कैसा रहता है और कैसे ये जो इलेक्ट्रिकल का फ्लो रहता है वो कैसे फ्लो करके हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पहले देखिए, ये पॉजिटिव साइड है मेरा, ये मेरा नेगेटिव साइड हो गया। तो पॉजिटिव साइड में मैं पहले फ्यूज डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए डाला जाता है। उसके बाद क्या है ना, ऑफ पुश बटन रहता है। आप तो जानते हैं दोस्तों कि ऑफ पुश बटन हमेशा एनसी में कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया, ऑन पुश बटन। जैसे कि आप ऑन पुश बटन को प्रेस किए तो क्या होगा ना, मेरा पहले ये टाइमर जो है, टाइमर को सप्लाई आएगा पहले, ठीक है। सप्लाई तो हर जगह जाएगा, जैसे कि ये ऑन किए तो मेरा यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि टाइमर का जो रिले है वो मेरा पिकअप हो जाएगा। उसके बाद ये जो ये है, ये यहाँ से होते हुए पहले यहाँ घुसेगा। ये मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है, K2 मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है K2 मेरा स्टार कॉन्टैक्टर। जैसे ही मैं ऑन पुश बटन प्रेस किया तो मेरा ये जो सर्किट देख रहे हैं पूरा, ये टाइमर के थ्रू चेंजेबल होता है। स्टार टू डेल्टा जो चेंजेबल होता है, ये टाइमर के थ्रू चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे मैं ऑन किया तो मेरा ये जो स्टार कॉन्टैक्टर है, ये एनसी रहता है। तो एनसी होने के बाद यहाँ पे एक स्टार्ट इंटरलॉक रहता है। जैसे कि मेरा अभी अगर स्टार में चलाना है तो डेल्टा में नहीं चल रहा होना, नहीं होना चाहिए डेल्टा में। मतलब K3 का जो कॉन्टैक्टर है उसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ में लिया हो, ठीक है, एनसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर मेरा डेल्टा में चल रहा होगा तो ये वाला मेरा NO रहेगा। तो क्या है ना, स्टार चलने नहीं देगा, क्योंकि अगर एक साथ में स्टार और डेल्टा चलेगा तो मोटर जल जाएगा। तो इसके वजह से क्या किया ना, यहाँ पे एक इंटरलॉक रखे हैं K3 कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी। जैसे ये चलेगा ये NO हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट किए हम लोग, यहाँ से आते हुए K2 कॉन्टैक्टर को स्टार्ट हो गया। मतलब K2 कॉन्टैक्टर मतलब स्टार कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया। जैसे K2 स्टार्ट हो गया तो मैं K2 का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मैं यहाँ लिया हूँ, तो उसके कारण क्या होगा ना, ये वाला जो है NO था, ये NC हो जाएगा। जैसे ही NC हो जाएगा, मेरा K1 का जो मेन कॉन्टैक्टर है वो पिकअप हो जाएगा। जैसे ही मेरा मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ तो क्या हुआ ना, मेरा अभी क्या रीज़न है ना, मेरे को ऑन पुश बटन छोड़ देना है और इसको होल्ड कराना है। तो इसके वजह से क्या है ना, K1 मेरा मेन कॉन्टैक्टर जैसे ही पिकअप हो गया तो ये वाला जो मेरा ये है, ये NO to NC हो जाएगा। तो मेरा जो सप्लाई है वो यहाँ से होते हुए आएगा, ठीक है दोस्तों, सप्लाई यहाँ से आते हुए। तो ये क्या है, मेरा NC हो जाएगा। ये जैसे ही NC हो जाएगा, मेरा ऑन पुश बटन मैं छोड़ दिया, तभी भी मेरा सर्किट में मतलब चलता रहेगा, मेरा स्टार या डेल्टा कोई भी चल रहा, नहीं तो ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो मेरा क्या सर्किट कुछ चलेगा नहीं। तो जैसे मैं ऑन पुश बटन छोड़ दिया तो ये मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ, तो यहाँ से मेरा सर्किट चलता रहेगा, ये पिकअप हो जाएगा। तो मैं टाइमर में एक टाइमिंग डाला होगा कि मेरा 40 सेकेंड तक ये स्टार में चलेगा। तो 40 सेकेंड तक स्टार में चलने के बाद जो ये कॉन्टैक्ट है, ये मेरा NC से NO हो जाएगा, और ये जो मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर क्या है ना, NO टू NC हो जाएगा। तब क्या होगा ना, मेरा ये NC टू NO हो जाएगा और ये NO टू NC हो जाएगा, तो मेरा मोटर क्या है, डेल्टा में चलेगा। तो अभी जानते हैं क्या ना, मोटर को स्टार में क्यों स्टार्ट करके डेल्टा में चलाते हैं। अगर मैं स्टार में नहीं चलाऊंगा तो जो डेल्टा में है, अगर मैं डेल्टा में चलाऊंगा तो 7 times FLA फुल लोड एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मतलब मान लीजिए मेरा 3 एम्पियर करंट ले रहा होगा एक मोटर, तो वो क्या है ना, 21 एम्पियर का करंट लेगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टार में क्या होता है ना, मेरा वोल्टेज क्या है ना, रिड्यूस हो जाता है। तो वोल्टेज रिड्यूस होने से क्या है ना, मेरा करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका एक भी प्रपोज ये होता है कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। जैसे ही मेरा स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा, कुछ देर के बाद जैसे ही ये में आ गया, तो मैं उसको फिर से क्या है ना, डेल्टा में कन्वर्ट कर दूंगा। तो तब तक मेरा करंट जो है वो स्टेबल हो गया होगा, तब मेरा मोटर जो है डेल्टा में चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है, ये इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत जगह में यूज होता है। मेरा कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है, मेरा लिफ्ट में यूज होता है स्टार डेल्टा, मेरा मिक्सचर मशीन जो मिक्स करते हैं उसमें यूज होता है, तो बहुत जगह में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नया नया इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।